उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, चीजों में क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, सब लोग उसमें कंफ्यूज्ड हैं, एक ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रही है। मुझसे शादी करोगे देखते हो आप? मैं मुझसे शादी करोगे देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़े थोड़े एपिसोड देखे हैं मैंने बट मेजरली नहीं देखे हैं। कैसे, क्या कहना चाहेंगे उस शो के बारे में? आई डोंट नो, बहुत कंफ्यूजिंग लगा मुझे, मेरे लिए शो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए शायद मैंने देखा नहीं, इसीलिए क्योंकि बहुत चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट था बिग बॉस हिट हुआ उसके बाद आई थिंक बहुत जल्दबाजी में उस क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, बहुत जल्दबाजी दिख रही है उसके अंदर क्योंकि आई थिंक सब लोग उसमें कन्फ्यूज्ड हैं, आई थिंक वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो भी कन्फ्यूज्ड हैं पारस और शहनाज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, तो आई थिंक ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रही है, लेकिन आई होप लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर देम। ओके, किसी और के साथ मुलाकात हुई बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ? बिग बॉस के कंटेस्टेंट सी फोन पे, मैं तो शूट पे बिजी रहता हूँ और भाव से मुलाकात हुई होती रहती है, विकास के साथ मुलाकात कई बार हम लोग टकरा जाते हैं, विकास के साथ हो जाती है, भाव से भी एक दो बार हुई है मुलाकात और फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, पारस का भी फ़ोन जब वो बीच में दो दिन के लिए बाहर आता है तो उससे फ़ोन पे बात हुई है, माहिरा से बात होती हैं, आरती तो भैया 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 शी इज़ वेरी क्यूट, तो आरती से बात होती रहती हैं और कौन, हाँ आई थिंक ये बिकॉज मेरे शूट से मैं सुबह जाता हूँ यार और रात को वापस आता हूँ तो बहुत ही कम हो पाती हैं, लेकिन हाँ आई होप बहुत जल्दी सब लोग मिलें और मैं खुद मिलना चाहूँगा सब लोगों से वापस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज पराग त्यागी एंड यू आर वॉचिंग टेली मसाला।